हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो पैनकेक। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे, आलू जिसको मैंने पील कर लिया है। ये उबले हुए आलू नहीं है। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मैंने बटर लिया है रूम टेम्परेचर। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। 1 अंडा है। 3 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, कॉर्नफ्लावर। काली मिर्च है आधी छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर है आधी छोटी चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अब ग्रेटर की मदद से मैं आलू को ग्रेट करूंगी। ये जो सबसे बड़ा साइज़ रहता है, इससे मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से आप ग्रेट कर लें। ये देखिए, सारे के सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इसका पानी निकालूंगी। आप इस तरह से हाथ से निचोड़ के निकाल सकते हैं, या नहीं तो मलमल के कपड़े में डालकर इसे निचोड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको पानी निकालना है। आप पानी निकालकर एक बर्तन में, प्याले में आप रखते चले जाएं। ये देखिए, इस तरह से पानी हो निकल गया है। अब फोक की मदद से आप इसे स्प्रेड करें और ड्राई पाउडर जो हमने लिया है वो सारा का सारा आप इसमें डाल दें और इसे फोक की मदद से ही स्प्रेड करें। अब इसमें अंडा डालते हैं। अंडा को भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, अंडा भी मिक्स हो गया अच्छी तरह से। बेसिकली अंडा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब कॉर्नफ्लावर और मैदा को हम इसमें मिक्स करेंगे। कॉर्न स्टार्च भी हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पर अगर स्पून से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ से इसे स्प्रेड कर लें। मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ, मिक्स कर लें। ये देखिए, हाथ की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे आप 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक फ्लैट पैन लेंगे, नॉनस्टिक हो या कोई भी तवा हो, फ्लैट लेंगे। इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल या भी कोई भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप डालें। फ्लेम अभी मेरा हाई पे है। अब मैं इसमें बटर डाल दूंगी। फ्लेम को लो करके बटर मेल्ट होने दूंगी। अब बटर मेल्ट हो गया है हमारा। अब मैं एक स्पून की मदद से इस तरह मैं मिक्स करूंगी और इस तरह स्पून की मदद से मैं छोटा छोटा निकाल के इसे फैलाऊंगी। स्पून की मदद से ही इसे स्प्रेड करूंगी, लाइक छोटे छोटे पैनकेक के साइज़ दूंगी मैं इसे। आप देखें, इस तरह से करना है। ये बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से मैंने बना लिया है। ये मेरा 7 पीस बना है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक रखूंगी, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। उसके बाद मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का कलर आ जाए तो आप फ्लिप कर लें, पलट दें इसे। ये देखिए, मैंने सब एक साथ पलट दिया है। अब दूसरी तरफ भी 5 से 7 मिनट मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने दूंगी। ये देखिए, दोनों तरफ इस तरह से हो गया है। मुझे हम लोगों को बेसिकली गोल्डन ब्राउन कलर में लाना है। आप दोनों तरफ का इस तरह से कलर आ जाता है तो आप इसे निकाल लें। तो चलिए, ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसे किचन पेपर टॉवल में निकालूंगी मैं इसे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। ये अभी आपको इसमें बटर और ऑयली दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, करीब 5 मिनट के बाद मैंने इसे प्लेटिंग की है विथ सॉस। आप चाहें तो किसी भी चटनी का इस्तेमाल करें, कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और कमेंट मुझे ज़रूर दें। थैंक यू।